हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कार्स ओन बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं नई नवेली पिकअप के बारे में। इसका नाम है बोलेरो मैक्स पिकअप। हाल ही में लॉन्च हुई है और ये सबसे एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक पिकअप आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो इस कैटेगरी के पिकअप में आपको नहीं मिलती है। वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो देखिए दोस्तों, मैक्स जो नाम है ये महिंद्रा पहले बार इस्तेमाल नहीं कर रही है। बहुत साल पहले हमारे पास एक पिकअप हुआ करती थी, इसका नाम था मैक्स पिकअप। थोड़ी चौड़ी थी और पुराने जीप बॉडी डिज़ाइन पे आधारित थी मैक्स। उसमें एक पैसेंजर वेरिएंट भी था और एक गुड्स वेरिएंट भी था। ये जो मैक्स नाम है, इस नाम से हमें मालूम पड़ता है कि पैसेंजर हो या गुड्स, हमें ज़्यादा लगेज और ज़्यादा पैसेंजर हम इसमें लेके जा सकते थे। और ये नाम जो थी बहुत फेमस थी, स्पेशली जो रूरल मार्केट है, विलेजेस है, वहाँ पे ये नाम बहुत फेमस थी। और इसने एक ट्रस्टवर्थी ब्रांड बना लिया था जो मैक्स नाम है। ये एक भरोसामंद एक स्टैम्प मार लिया था कस्टमर के दिमाग में। अब ये जो मैक्स नाम है, जिसका मतलब है मैक्स माने सबसे ज़्यादा, ये जो ब्रांड है ये अभी बोलेरो पिकअप के साथ जुड़ रहा है बेसिकली। तो अभी हमें मिलता है बोलेरो मैक्स पिकअप, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड है, एक मॉडर्न डिज़ाइन है और इसमें बहुत सारे कैटेगरी में पहले बार मिलने वाली फीचर्स हमें मिल जाती है। तो देखते हैं ये मैक्स मतलब क्या क्या मैक्स हमें इस पिकअप में मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोलेरो पिकअप रेंज की। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कोई भी कंपनी इस तरह से ऑफर नहीं करता रहेगा इतना सारा रेंज, राइट। अगर हम बोलेरो पिकअप की बात करें तो 1.3, 1.5, 1.7 टन, उसके बाद बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, फिर कैंपर। अब ये बोलेरो पिकअप में इतने सारे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एसी वाला है, सीएनजी है, फिर मैनुअल स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग, तो फिर चासी बॉडी, सीबीसी चेसी वाला एक आता है एक वेरिएंट। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट है जो कस्टमर्स को जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मनचाहा वेरिएंट पिक कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कोई भी एक कंपनी, महिंद्रा छोड़ के कोई भी कंपनी इतने सारे वेरिएंट्स आपको देती होगी। नॉर्मली ये जो तरीका है ये बड़े बड़े ट्रक्स में देखे हैं हमने, जहाँ पे आपको पता है जैसे इतना बीएचपी का पावर, इतना टन का कैपेसिटी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस बड़े बड़े ट्रक्स में मिलते हैं। बट एक पिकअप में महिंद्रा ही ऑफर करती सबसे ज़्यादा रेंज, जो कि है बोलेरो रेंज में। और नो डाउट उसी की वजह से देश का नंबर वन पिकअप ब्रांड अब भी है। अभी बोलेरो मैक्स पिकअप के तरफ आते हैं। इतना सारा रेंज रहने के बावजूद बोलेरो मैक्स पिकअप आ रहा है, तो ये ऐसी क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला महिंद्रा ने की है वो हम देते हैं, जिस पे ये एक एडिशन इम्पैक्ट कर सकता है बोलेरो रेंज पे। तो बोलेरो मैक्स, मैक्स माने सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले इसके प्राइसिंग पे आते हैं। इसका जो एंट्री प्राइस है, जो अभी का शुरुआती प्राइस है, वो है 7,68,000। इसकी जो ये मैं बोल रहा हूँ ये स्टार्टिंग प्राइस है, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस बोलने का ये रीज़न है यहाँ पे तीन वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। उसके डिटेल्स हम आगे वीडियो में देख लेंगे कौन कौन से वेरिएंट्स है, उसके प्राइसिंग क्या है। पर सबसे जो एंट्री लेवल प्राइस है वो है 7,68,000 और आपको मिलेगी ये डाउन पेमेंट 25,000 रुपये करने पे भी। एप्लीकेशंस की बात करें तो बोलेरो मैक्स पिकअप जो है सिटी यूज़ में जो आप एप्लीकेशंस करते हो, बेसिकली मिनरल वाटर लेके जाना, एफएमसीजी जो गुड्स होते हैं वो लेके जाने में, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके जाने में, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए सबसे एप्ट व्हीकल है बोलेरो मैक्स पिकअप। अभी आप बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। देखिए दोस्तों, राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बोलेरो सिटी पिकअप है और लेफ्ट साइड में बोलेरो मैक्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ यहाँ पे सिर्फ जो मॉडर्नाइज चीज़ें क्या क्या है उसके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे सिटी पिकअप का एक रेफरेंस रखा हो, कोई डायरेक्ट कंपैरिजन में नहीं करना चाहता, क्योंकि बोलेरो सिटी पिकअप की अपनी खासियत है, मैक्स पिकअप, मैक्स जो है बोलेरो मैक्स पिकअप है उसकी अपनी खासियत है। तो सबसे पहले डिज़ाइन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा कि एकदम मॉडर्न डिज़ाइन है, जैसे मैंने कहा था बहुत ही मॉडर्न दिखती है और इसमें बहुत सारे फीचर एलिमेंट्स है जो अभी के बहुत सारे पिकअप्स में मिसिंग है। सबसे पहले इसका फ्रंट स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रंट स्टाइलिंग में अगर आप देखेंगे तो ग्रिल जो आपको एकदम मॉडर्न डिज़ाइन की मिल जाती है, हेडलैम्प भी थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन है, कहीं ना कहीं मुझे TUV या अभी के जो बोलेरो नियो है उसकी याद आती है, बट गाड़ी जो है पूरी तरह से अलग तरह से डिज़ाइंड है। बम्पर की बात करें बहुत ही मस्कुलर लुक वाली आपको बम्पर मिलती है। फिर व्हील आर्च की जो मोल्डिंग है उधर भी एक थोड़ा सा एक डिफरेंस दिख रहा है, जिस तरह से जुड़ रहा है व्हील आर्च का मोल्डिंग और जो बम्पर जिस तरह से जुड़ रहा है
और सिटी पिकअप में आप देखेंगे सिटी पिकअप में छोटा सा गैप है, वो गैप यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेफ्टी के लिहाज से इसका फ्रंट जो है डिज़ाइन किया गया है। फिर आता है बॉडी के ऊपर आपको एक अच्छा सा एक डिज़ाइन जो है हेडलैम्प से लेके डोर हैंडल उस तरफ एक डिज़ाइन फ्लोट हुए आपको दिखाई देगी, जो सिटी पिकअप में थी। बट सिटी पिकअप में बहुत पुरानी टाइप के डिज़ाइन थी, बट यहाँ पे एक मॉडर्नाइज्ड वे में उन्होंने एक डिज़ाइन दिया है। फिर दरवाजे की बात किया, दरवाज़ा पूरी तरह से नया दरवाजे लगे हुए यहाँ पे। उसके बाद जो गटर लाइंस होते हैं, जो पानी फ्लो होने के लाइंस जो होते हैं, मैक्स पिकअप में सिर्फ छत पे है, बट सिटी पिकअप में पहले अपने विंडो और दरवाजे के साइड से भी निकलती, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बोलेरो मैक्स पिकअप में नहीं मिलेगा। फिर आते हैं विंडशील्ड के तरफ, विंडशील्ड भी देखो पैसेंजर कार की तरह बोलेरो मैक्स पिकअप में भी विंडशील्ड टेस्टेड है, जो कि एकदम मॉडर्न फीचर है। बल्कि सिटी पिकअप में एक बीडिंग आता था, रबर बीडिंग के अंदर ग्लास को फिटिंग किया जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे विजुअल चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और जो कैबिन का जो लंबाई है और चौड़ाई है, मुझे लगता है बोलेरो मैक्स पिकअप में थोड़ा ज़्यादा है। तो सेफ्टी के लिहाज से ये कैबिन डिज़ाइन किया है वो पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। आगे देखते हैं इसकी सीटिंग की बात करें, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कहा कि इसका जो चौड़ाई है ये थोड़ा बढ़ गया है, जिस कारण यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है ड्राइवर प्लस दो पैसेंजर को बैठने की। तो ये सर्टिफाइड है दोस्तों, तो सर्टिफाइड डी प्लस टू सीटर बन जाती है। और दूसरी बात ये है हाईलाइटिंग फीचर, ड्राइवर को पहली बार इस कैटेगरी के पिकअप में आपको सीट हाइट एडजस्टेबल मिलती है। ड्राइवर का सीट अभी तक जो था आगे और पीछे ही कर सकते थे, बट अभी उसका हाइट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो लंबे से लंबे सफ़र भी आप आरामदायक कर सकते हैं। देखिए आरामदायक सफ़र करने के लिए नहीं, बस सेफ्टी के लिहाज से भी। होता क्या है ना, कभी कभी आप सिटी में आप एकदम टाइट ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो आपको विजिबिलिटी अच्छा भी चाहिए, तो कभी होता है कि हम ड्राइवर जो है सीट की हाइट जो है थोड़ा ऊपर रख के चलाता है, ताकि उसको आगे की विजिबिलिटी अच्छे से दिखे। तो ये सुविधा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सिटी के लिहाज से डिज़ाइन किया हुआ है तो मैक्स में मिलना ही था। उसके बाद इसके डैशबोर्ड सबसे मॉडर्न, मैं तो बोल रहा, जो बोलेरो पैसेंजर गाड़ी है, बोलेरो SUV है, उससे भी मॉडर्नाइज्ड, मुझे आधुनिक मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है। तो इसमें आप देखेंगे एक थ्री स्पोक स्टेयरिंग में मिलता है, जिसमें आपको एक एल्यूमिनियम फिनिश आपको मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बहुत स्टाइलिश दिख रहा है वहाँ पे। उसके बाद सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे है टच स्क्रीन की सुविधा, एक पिकअप में टच स्क्रीन रखने की टच स्क्रीन का एक प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जिस तरह से मोबाइल भी रखा हुआ है, मोबाइल होल्डर का भी एक अलग सी जगह बना के रखी है। को ड्राइवर साइड पे आपको ऊपर और नीचे दो स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलते हैं, ऊपर का एक ओपन स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप लॉक वगैरह नहीं है, बट नीचे जो है लॉकेबल ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाती है। उसके बीच एक अच्छा खासा ग्रैब हैंडल आपको दिख रहा है। बट जिस तरह से ये लेआउट है, जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही आधुनिक दिख रही है। और ये अगर बोलेरो SUV में आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये जो पिकअप के जो कुछ कैरेक्टर्स है, ये हमें बोलेरो पैसेंजर में मिल जाएगी। अभी आगे चलते हैं LED टेल लैम्प की तरफ। बोलेरो मैक्स पिकअप में टेल लैम्प जो है हमें LED टाइप का मिल रहा है। आजकल LED जो है ट्रक्स में तो हमें दिख रहा है, बहुत सारे ट्रक्स में LED टेल लैम्प्स है, जिस कारण सेफ्टी जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टाइल भी है, सेफ्टी भी है, सेफ्टी के लिहाज से तो है ही। और बोलेरो पिकअप में भी सेफ्टी के लिहाज से आपको LED टेल लैम्प दे रहा है, बहुत ही स्टाइलिश टेल लैम्प है। जब रात के टाइम पर ग्लो होता है वो एकदम स्टाइलिश दिखेगा। उसके बाद आता है टर्न सेफ लाइट्स, ये सेगमेंट में पहली बार है। अगर आप देखेंगे स्कॉर्पियो या बोलेरो नियो में एक सिस्टम जिसके कहा जाता है स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, समझो आप गाड़ी चला रहे हो, अंधेरे में क्या होता है ना, अपना जो हेडलैम्प का फोकस है सीधा गिरता है, राइट। जब आप अंधेरे में गाड़ी चलाते हो, रात के समय गाड़ी चलाते हो, अपना हेडलैम्प का फोकस सीधा रहता है। बट अगर आप टर्न मार लेफ्ट या राइट जब टर्न करते हो, तो आपको कभी कभी जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है, वो हमें क्लियर दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होने के कारण। तो अपने ही हेडलैम्प में छोटा सा एक बल्ब होता है, जो आप टर्न मारते समय अपने आप जलना चालू करता है, और जो कॉर्नर का व्यू है आपको क्लियरली मिल जाता है, उस कारण सेफ्टी बढ़ता है। तो ये जो है, ये सेफ्टी फीचर पहली बार इस कैटेगरी के गाड़ी में मिल रहा है, जिसका नाम है टर्न सेफ लाइट्स।
फिर बात करते हैं व्हील बेस की। इसकी जो व्हील बेस है 3150 mm है। देखिए दोस्तों, हाई स्पीड में व्हील बेस का इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी जब डिज़ाइन करते हैं उसका जो प्रोपोर्शनेट व्हील बेस नहीं रहेगा उसके डिज़ाइन के हिसाब से, तो गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी। तो व्हील बेस बहुत ही अच्छी खासी 3150 mm की दे रखी है, जो कि एक अच्छी खासी हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको दे देगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। इंजन जो है इसमें M2DI इंजन आती है, जो भरोसेमंद इंजन है, और इसका टॉर्क है 195 न्यूटन मीटर और पावर आपको 65 HP की मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है इसकी माइलेज, सर्टिफाइड माइलेज है 17.2 का आपको माइलेज मिल जाएगा। उसके बाद जो आती है कार्गो बॉडी की। देखिए दोस्तों, कार्गो बॉडी का जो डाइमेंशंस है वो 8.2 feet लंबाई और चौड़ाई जो है 5.6 फीट के आसपास है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक कार्गो बॉडी है, बट हाँ कम से कम स्पेस में आपको, जैसे मैंने कहा कि ये सिटी यूज़ के लिए बनाई है, तो उसके हिसाब से ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज में इन्होंने डिलीवर की है और ये काम कर लेगा। उसके बाद टर्निंग सर्कल रेडियस। सिटी में सबसे मुश्किल होता है लंबी गाड़ियों को यू टर्न मार के घुमाना या पतली गलियों में से। आजकल सिटी आप देखेंगे बहुत ट्रैफिक जैम होता है, बहुत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, छोटे छोटे रोड्स हो गए हैं, और उस सिटी कंडीशन में अगर आपको गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी का टर्निंग रेडियस कम से कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अभी बोलेरो मैक्स पिकअप में आपको मिल रहा है 5.5 मीटर का, जिस कारण आपका टर्निंग जो है सिटी के अंदर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और पावर स्टीयरिंग है तो फिर काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पेलोड की। पेलोड है 1300 किलो, 1300 किलो का इसका पेलोड है। और जैसे मैंने एप्लीकेशंस बताए थे, सिटी एप्लीकेशन के लिहाज से ये बहुत एप्ट है 1300 किलो का पेलोड। और सर्विस इंटरवल जो है 20,000 का सर्विस इंटरवल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और वारंटी की बात करें तो वारंटी है 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर, जो जल्दी होता है उस हिसाब से आपको वारंटी कवर किया जाता है। सबसे हाईलाइटिंग फीचर है मैक्स पिकअप में IMX टेक्नोलॉजी। ये IMX जो है टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन है। इसमें होता क्या है, आपकी गाड़ी जो है आपके फ़ोन के साथ जुड़ जाता है। तो कैसे, तो बेसिकली इसमें कुछ खास फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर हम बात करते हैं रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग बेसिकली आपको इधर जाना हो तो आप आपके IMX एप्लीकेशन के थ्रू वो कम से कम समय में पहुँचने वाला रूट आपको बता देगा और आपको रूट को फॉलो करना है। जब भी होता है ना, जब आपको कोई बहुत सारे जगह पर डिलीवरी करना है तो वो रूट फॉलो करने के लिए आप बोल सकते हैं एक टाइप का मैप्स है, गूगल मैप्स की तरह फंक्शन करता है। तो ये होता है रूट प्लानिंग। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, आपकी गाड़ी अब किधर है, अब इस वक्त पे किधर है, वो व्हीकल ट्रैकिंग के माध्यम से आपको दिख जाएगा। उसके बाद है जियो फेंसिंग। देखो जी दोस्तों, जियो फेंसिंग जो है सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होता क्या है ना, आजकल पिकअप के मार्केट्स में मालिक एक जगह पर बैठा होता है, ड्राइवर गाड़ी दूसरी तरफ लेके जाता है, कभी कभी ड्राइवर अपना अलग सा बिजनेस कर लेता है मालिक को बिना बताए। तो जियो फेंस में क्या होता है कि आप आपके फ़ोन में एक रेडियस सेट कर सकते हैं। रेडियस मतलब एक किलोमीटर सेट कर सकते हैं। समझो आप बोलते हैं कि मैं आज इधर बैठा हूँ, मेरा गाड़ी 10 किलोमीटर सिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है, अगर आप जियो फेंस लगाते हो 10 किलोमीटर का, अगर आपका गाड़ी उसके पार बाहर जाता है तो आपको एक वार्निंग फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा और वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी गाड़ी लिमिट के बाहर गई है। तो जियो फेंसिंग जो है सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस चलाने के लिए। और व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग, आपके गाड़ी का जो सर्विस शेड्यूल है या गाड़ी का सिचुएशन जो है, इंजन ऑयल को लेके या जो कुछ बहुत सारे अन्य फीचर्स है, वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन में दिख जाएगा। ये जो फीचर है देखिए दोस्तों, पैसेंजर कार में आती थी, बट आज महिंद्रा एक पिकअप में दे रही है, जिस कारण आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने का एक प्रॉमिस देती है ये सब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। वेरिएंट्स की बात करें तो बोलेरो मैक्स पिकअप में 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक है सिटी 3000, फिर सिटी 3000 LX और सिटी 3000 VXI। तो ऐसा कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है, एक LX वेरिएंट है और VXI वेरिएंट है। स्टीयरिंग की बात करें, जो सिटी 3000 जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है, LX और VXI में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएंगी। सीटिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा कि बोलेरो मैक्स पिकअप में D+2 सर्टिफाइड सीटिंग कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको LX और VXI में मिलेगी। स्टैंडर्ड में आपको D+1 का ही सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्जन सिटी 3000 में आपको मिलेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आपको LX लेना पड़ेगा, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आपको फैब्रिक सीट्स में मिल जाएंगे।
बाकी के फीचर्स अगर आप देखेंगे जैसे सीट हाइट एडजस्टेबल, टर्न सेफ लाइट, IMX टेक्नोलॉजी और हेडरेस्ट, ये सब जो चीज़ें ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिल जाएगी जो है VXI। प्राइसिंग की बात करें स्टैंडर्ड वेरिएंट जो सिटी 3000 है वो है 7,68,000 की, ये एक शोरूम प्राइस है। सिटी 3000 LX का अगर प्राइसिंग देखेंगे तो वो है 7,72,000 और सिटी 3000 VXI का जो है वो है 7,81,000। तो ये रही दोस्तों प्राइसिंग और फीचर्स और जो वेरिएंट्स है उसका। कलर की बात करें बहुत ही शानदार देखने वाली मेटालिक कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें अच्छा खासा ग्राफिक्स भी लगाया है जो कि क्लियरली दर्शाता है कि ये जो गाड़ी है प्योरली सिटी के यूज़ के लिए ही बनाया हुआ है। उस तरह से इसका एक ओवरऑल कलर स्कीम ग्राफिक स्कीम आपको दिखेगा। तो गाड़ी 3 कलर में अवेलेबल है जो है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है वाइट। अच्छे खासे व्हील कैप वगैरह आपको मिल जाते हैं और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो है वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बदलेंगे। तो जब आप गाड़ी बुक करेंगे एक बार डीलरशिप में विजिट कीजिएगा और गाड़ी को ज़रूर देखिएगा और समझ के लीजिए कि कौन कौन से फीचर्स कौन कौन से वेरिएंट्स में आ रहे हैं। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन बोलेरो मैक्स पिकअप के ऊपर। हमें बताइए आपको कैसा लगा बोलेरो मैक्स पिकअप, आपकी जो राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जो है कार्स ऑन बड़ी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।